हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजा ऑफिशियल, आवर न्यूज चैनल। कैसे आप लोग, और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी। क्यों मैं प्रेगनेंसी के दौरान अपने मायके नहीं गई, क्यों मुझे डॉक्टर चेंज करना पड़ा, और ऐसा क्या हुआ जो पल भर की खुशी जो थी वो गम में बदलने वाली थी। और डॉक्टर ने मुझे बोला था रेस्ट करने के लिए, बेड रेस्ट 1 वीक का, लेकिन मैं क्यों नहीं की वो भी मैं बताऊंगी। और जी हाँ, 8वां महीना में ऐसा क्या हुआ कि सारे लोग फिर से निराश होने लगे थे। जी हाँ, मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आया था, और उसके बाद सारे क्वेश्चन को पार करके और आज मैं यहाँ पे हूँ। और इस चैनल का जो नाम है वो मेरे बेटा के नाम से है। जी हाँ, मेरा बेटा कुंज, और मैं अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, प्रेगनेंसी स्टोरी। तो बात 2020 फरवरी में मेरी शादी हुई थी, और मैं अपना बेबी कंसीव की थी जून में। जी हाँ, जून में कंसीव की थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला था। जब मेरा पीरियड मिस हुआ था तब मुझे पता चला, शायद फिर भी मैं कंफर्म नहीं थी। तो उस दौरान जून, जी हाँ 18 जून को मेरी दीदी का मैरिज डे आता है, तो मैं वहाँ गई थी। और उसके बाद सुबह गुरुवार था, और फ्राइडे को मैं चली आई शाम को। और उसी गुरुवार को ही मेरे भैया किसी का बात नहीं माने, वो घर जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं चली गई अपने मायके पे। तो वहाँ पे 4 से 5 दिन मैं रही, और उसके बाद मैं बताई अपनी मम्मी को कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो फिर मेरी मम्मी मुझे किट ला के दी कि चेक करना, लेकिन वो होता है कि आप 30 दिन के बाद चेक करना चाहिए, और पीरियड का क्या है वो तो कभी आगे कभी पीछे होते रहता है, ऐसे सब बोल रहे थे। तो मुझे तो कोई नॉलेज था नहीं, तो जैसे जैसे लोगों ने कहा, तो मैं 30 जून को किट से चेक की थी, जो कि मेरी मम्मी दी थी। जी हाँ, मायके कुंज की नानी मुझे लाके किट दी थी मैं चेक की। तो रिजल्ट जो था वो पॉजिटिव था, और जब मैं चेक कर रही थी उस दिन मेरी सासू माँ नीचे वाले फ्लैट में रहे, वो बार बार उनको लग रहा था अब जाके मैं बोलूँगी। और मैं इसलिए नहीं गई सुबह में, जब मैं चेक की मैं कंफर्म हो गई तो मैं इनको भी बताई, तो ये सोए हुए थे, इनको कुछ नहीं पता चला। फिर मम्मी आई, मम्मी बोले हम वेट कर रहे थे कि क्या बोलोगी। जब फिर मैं मम्मी को बताई, तो फिर मम्मी मेरा सर चूमी, उसके बाद इनको बताए, तो ये बोले, मैं बोले आपको तो बताए थे, तो मुझे याद नहीं है, तो फिर मैं इनको बताई। सारे लोग, खुशी जो होता है परिवार में नए सदस्य के आने का, तो बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि मैं खुद डर गई थी, अब मैं वो चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर रही थी। जी हाँ, तीन जुलाई को ये हुआ था। 3 जुलाई को सावन चढ़ने वाला था, तो उस सावन में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, बहुत जगह नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ भी लोग नहीं खाते हैं। तो सावन से 2-3 दिन पहले ही ये बोले कि चलो चिकन बनाते हैं, तो चिकन बना रहे थे, तो बोले कोई बात नहीं, मेरा मायका नज़दीक है, तो मेरे भैया और मेरे दोनों भाई को ये इनवाइट किए थे चिकन खाने के लिए लंच में। तो ये बोले कि कोई बात नहीं, तुम बैठे रहना और मैं बना दूंगा, तुम सामान जो जो मैं मांगूंगा तुम देते रहना। तो मैं दे रही थी, उसी वक्त सडनली मेरे शरीर में कुछ ऐसा गनगनाहट टाइप का और अजीब, मैं वो वर्ड जो है वो बयान नहीं कर सकती आप लोगों के लिए, ऐसा मेरे साथ हो रहा था। और गर्मी जो मुझे लग रही थी, कि मुझे लग रहा था ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर जब मैं गई बाथरूम में तो देखी तो ब्लड आ गया था। अब वो अंदर ही, शुक्रवार की बात है, फ्राइडे की बात है, मैं अंदर ही अंदर तो अपने आप को सोची कि सारे लोग इतने खुश हो गए और अब मैं किस मुँह से बताऊँगी कि ऐसा मेरे साथ हो गया। मैं बहुत सोच रही थी अब क्या करूँ। तो फ्राइडे चली गई, सैटरडे भी चला गया, तो मैं ऐसे ही खिड़की पे बैठ के खिड़की की तरफ देख के सोच रही थी। तो ये बोले कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। तो फिर मैं बोली ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो फिर उन्होंने, मेरे जो हस्बैंड है वो यूट्यूब पे सर्च किए, तो वो बोले नहीं ऐसा होता है जब अंडा फटता है ना, तो ब्राउन ब्लड निकलता है जब अंडा फटता है। तो उसके बाद फिर भी मुझे पहला बार था, तो मुझे
जो सेटिस्फेक्शन होता है वो नहीं, अंदर से कुछ ना कुछ चलते रहता था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो फिर मेरी मदर इन लॉ बोली कि नहीं अभी डॉक्टर से दिखा देते हैं। तो मैं गई डॉक्टर के पास, तो कोरोना नहीं तो उस टाइम बहुत गंदा वाला कोरोना जून जुलाई में तो मार्च से स्टार्ट ही हुआ था और बहुत गंदा वाला कोरोना लॉकडाउन था। और उसमें आप डॉक्टर के पास जाते हो जहाँ मैं गई पहली बार, तो वहाँ ब्लड चेक किया गया और जेल लगा के चेक किया गया, तो मेरे जो बेबी है उसका हार्ट बीट आ गया था, जी हाँ धड़कन आ गया था डॉक्टर। फिर वो एक डुफास्टन दवा होता है जो कि बहुत महंगा आता है और 600 या 700 में वो 10 टैबलेट आता है, वो मुझे लिखी हुई थी तो वो खाना था। और वहाँ पे ब्लड टेस्ट मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का हुआ था। ये बोले कि कोरोना में वहाँ पे जहाँ पे मैं पहली बार डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं था कोविड को लेके। तो फिर ये आके घर पे बोले कि नहीं अब डॉक्टर चेंज करेंगे क्योंकि वहाँ पे कोविड को लेके कोई सावधानी नहीं है। तो इस दौरान ना मुझे अपना डॉक्टर चेंज करना पड़ा था और मेरे घर के बगल में मेरे भैया बताए थे डॉक्टर है। तो उसके बाद फिर 9 महीने तक मेरा जो भी चेकअप था वहीं पे चला था। और उसके बाद 3 महीना तक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे खाने में टेस्ट ही नहीं मिलता था, कि मैं रो देती थी, मैं खाना खाती थी रो देती थी, मैं काम करती थी मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ। खाना बनाती थी ऐसा बनाती थी कि मैं खाना बना के जल्दी से निकल जाऊँ, एक होता है कि लगन के साथ काम करना खाना बनाना ऐसा कुछ नहीं। और इसी दौरान हुआ ये था कि 3 महीना जो हार्मोन चेंज होता है 3 फर्स्ट सेमेस्टर में, तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें कहाँ जाए। तो उस दौरान ये हुआ था, ठंड बरसात का मौसम था और ये अपना कपड़ा वो खूंटी में टांग के रखते थे और मैं साफ नहीं की, सारे में भूआ लग गया था। मेरी मम्मी गई थी साफ़ करने के, एक दिन वो निकाली तो देखी तो कही देखो तो तुम साफ़ नहीं की हो, और मेरा ऐसा सिचुएशन मैंने ही की। उस दिन से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उनका एक भी कपड़ा खूंटी में टांगा हो। वो आते हैं 2 से 3 दिन के लिए तो मैं रहने देती हूँ, फिर धो धा के मैं रख देती हूँ, वो चले जाते हैं। तो लेकिन उस दिन के बाद दोबारा वो चीज़ मैं रिपीट नहीं की। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर आता है, जी हाँ सेकेंड सेमेस्टर में बहुत अच्छा रहता है, उसमें आपको अच्छे फील करोगे सेकेंड सेमेस्टर में। और मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती गया। फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, सेकेंड सेमेस्टर में मेरे पैर में स्वेलिंग हो गया था, बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग था। और जहाँ तक रिपोर्ट की बात मैं बोलूँ, प्रेगनेंसी के दौरान मेरा जो भी रिपोर्ट था वो सारे नॉर्मल आते थे। और जब 5 मंथ हो गया, जी हाँ 20 वीक जब मेरा कंप्लीट हो गया था, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर हाथ लगा के चेक की, तो वो बोली कि लगता है बेबी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो मैं डर गई, ये क्या कह रही हैं। और जो मेरी जो मदर इन लॉ मेरा बहुत ख्याल रखी। और मैं मायके इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे मायके में नहीं धारता है, इसीलिए कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो वो डर के कारण मैं अपने मायके बगल में मेरा मायके है और मैं इस दौरान नहीं गई थी। और उसके बाद जब फिर मैं अल्ट्रासाउंड बोली कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवाई तो सर कुछ नॉर्मल था, फिर अल्ट्रा जहाँ पे करवा दी थी वही बोली कि अब टाइम हो गया 20 वीक का अल्ट्रासाउंड करवाने का, जो कि सोनोग्राफी जो कि पूरे बॉडी का होता है, बच्चे का पार्ट्स का, और उसमें डिजीज़ बताया जाता है कि आपके बच्चे में कौन सा डिजीज़ है या आपका बच्चा ठीक है नहीं है, उसी टाइम सारे बताते हैं। तो मेरा जो भी रिपोर्ट था वो बहुत ही अच्छा था और बेबी का हार्ट बीट वो 50 से कम था और 40 से ज़्यादा, 40 से ऊपर 50 से कम, जब भी इसका सोनोग्राफी करवाई थी मैं, अल्ट्रासाउंड करवाई थी तो उसमें आता था। उसके बाद ऐसा चलते गया। फिर जब थर्ड सेमेस्टर आया तो थर्ड सेमेस्टर में मेरा ये जो कलाई है इसमें अंदर से लगता था कि घाव हो गया है, पस जैसा हो गया, जरा सा भी कहीं हाथ लगता था तो मैं रो देती थी। रात में ऐसे सोई सोई कहीं हाथ ऐसे पड़ गया तो मैं उठ के बैठ के रोने लगती थी, इतना मुझे
मुझे इसमें दर्द होता था, तो मैं अपनी मदर इन लोग को कहती थी, तो वो कहती कि पेट सुरपी होता है कुछ, तो वो 9 महीना के बाद ही ठीक होता है। और सच में 9 महीना के बाद वो सारा चीज़ ठीक हो गया। और कहते हैं कि जब आपको बेटा होने वाला होता है तो आपकी जो खूबसूरती है वो डल हो जाती है और आप अच्छे नहीं दिखते हो। तो मैं कुछ आपको फ़ोटो है वो शेयर ज़रूर कर दूँगी कि देखना कि मैं कैसी भद्दी मोटी काली लगती हूँ और मैं लगती हूँ। उसके बाद जब डॉक्टर मुझे बोली थी 1 वीक का रेस्ट के लिए, तो मैं रेस्ट इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे नहीं लगता 4 दिन तक मैं बेड रेस्ट पे रही। मुझे मेरी जो मदर इन लॉ है वो सारा चीज़ बेड पे ही देती थी, सिर्फ मैं नहा लेती थी और उसके बाद फिर बेड पे ही पड़ी रहती थी। A to Z मुझे ख़राब लगता था कि ऐसा बहुत सा सिचुएशन आ गया कि मुझे बेड रेस्ट बोल दिया गया, लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं मैं थोड़ी सी सही हूँ। तो धीरे धीरे मैं सिर्फ मम्मी को बोली कि आप किचन में मैं खाना खड़े होके बना लूँगी, आप सारा मम्मी सारा कुछ कर रही थी। इवन 9 महीने तक वो आटा गूंथ के मुझे दी, झाड़ू पोछा सब्जी सारा कुछ वो की, सिर्फ मैं खाना बनाती थी और कुछ नहीं करती थी। और उसके बाद ये लास्ट 9वां महीना जब आया था, तो 9वां महीना में 8वां महीना, हाँ 8वां महीने के बाद 9वां महीना चलता है। 1 जनवरी की बात है, हम लोग गए थे बिहार म्यूजियम घूमने के लिए और वहाँ पे बहुत घूमे। उसके बाद सेकेंड डे 2 जनवरी को जाना था डॉक्टर के पास, गई मैं तो ये बोले कि सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड में भी टाइम लगता है। तो अल्ट्रासाउंड करवा के डायरेक्ट रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बोली जो बताई वो सुन के मैं उस टाइम मेरे में एक चीज़ ऐसा है कि मुझे समझ में ही नहीं आता है, जो चीज़ हर्ट करने वाला होता है ना मुझे उस टाइम नहीं हर्ट होता, बट फिर मैं उस टॉपिक पे सोचने लगती हूँ तो मुझे झकझोर के रख देता है। तो जब डॉक्टर बोली कि आपके जो आपका जो बेबी है वो गर्भनाल फंसा लिया है, जी वोकल कॉर्ड जो है वो फंसा लिया है और सिंगल कॉर्ड फंसाया है, डबल नहीं, क्योंकि डबल अगर बच्चे फंसाते हैं ना तो वो हैंग उनका नट बन जाता है और गला दब जाता है, जिससे कि सुनते होंगे कि बेबी पेट में बेबी पेट में ही ख़त्म हो जाता है। तो मेरा बेटा जो था वो बेटा या जो मेरा बच्चा जो था वो सिंगल कॉर्ड फंसाया था। उसके बाद मैं डॉक्टर मुझे बताई और ये डॉक्टर को बोले थे कि कल घूमी है ना तो इसलिए ऐसा हो गया है, तो डॉक्टर बोले ऐसा कुछ नहीं, बैठे बैठे भी हो जाता है, बच्चे पेट में शरारत करते रहते हैं तो हो जाता है। तो फिर डॉक्टर बोली एक ही चीज़, फिर उनसे पूछा गया कि कैसे ये ठीक होगा, तो उन्होंने एक ही बात बोला कि हर दो घंटे पर आप अपना बेबी का चेक करना कि वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 1 महीने तक लगातार हर 2 घंटे पे मैं देखती थी, रात को उठ के 12 बजे मैं 1 बजे 2 बजे ऐसे करके उठ के हर 2 घंटे पे कि बेबी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जब देखती थी तो सुकून मिलता था कि चलो चल रहा है। उसके बाद थ्रू आउट नौ महीने तक मैं डॉक्टर के पास जो गई विजिट करने के लिए तो मेरे साथ ये जाते थे, और 2 या 3 बार मेरी मदर इन लॉ गई, उसके बाद यही अक्सर लेके जाते थे। तो वही जब डॉक्टर बता दी मुझे कि बच्चा कॉर्ड फंसा लिया, तो उस टाइम ये बोले कि नहीं मेरे साथ ही चलना। तो मैं ये आरा में रहते हैं, ये वहाँ से पटना आए, फिर ले गए मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने जब मैं गई तो वहाँ पे तो अल्ट्रासाउंड जब हो रहा था तो डॉक्टर ने पूछा कि कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो मैं बोली कि मेरा जो बेबी है वो गर्भनाल फंसा लिया था, वो निकल गया। तो डॉक्टर बोली हाँ निकल गया। तब दिल को बहुत राहत हुआ, और जब मैं रिपोर्ट लेके नीचे आई तो इनका कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक ही सवाल था कि वो जो कॉर्ड फंसाया था वो निकल गया। तो मैं बोली हाँ निकल गया। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास आई, फिर डॉक्टर देखी, रिपोर्ट सब नॉर्मल था, लेकिन हाँ लास्ट में मेरा जो हार्ट बीट था, मेरा बीपी था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था।
तो डॉक्टर बोल रही थी कि तुम टेंशन ले रही हो, तुम्हारा तो 100 बीपी जो होता है नॉर्मल होता है 120/80 उतना मेरा था, लेकिन लास्ट में पता नहीं क्यों बढ़ने लगा था, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और फास्टन दवा मेरा जो था वो 34 वीक तक चला था, समझ सकते हो, 600 का दवाई जिस 600 का आता था 10 टैबलेट, और वो आई थिंक डॉक्टर को भी जहाँ तक मुझे नॉलेज है ज़्यादा नहीं दे रहे, 3 से 4 मंथ तक 5 मंथ देना चाहिए क्योंकि मिसकैरेज होने का खतरा होता है। और डोफास्टन जो होता है वो आपको मिसकैरेज होने से बचाता है, तो इसलिए 5 मंथ तक है, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और मैंने खाया तो जिसके चक्कर में मुझे जहाँ तक फील होता है कि मेरा जो डिलीवरी है, डॉक्टर बोलती थी कि नॉर्मल होगा, बट नॉर्मल नहीं हुआ। मैं 21 तारीख को गई थी डॉक्टर के पास, और जब गई थी तो वो चेक की तो मेरा जो सर्विक्स का मुंह था वो नहीं खुला था, और मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। तो जब मैं डॉक्टर के यहाँ से निकल के आई तो ये बोले कि इनको चाट बहुत पसंद है, ये बोले मुझे चाट खाना है। तो मैं इन पर बहुत ज़ोर से गुस्सा हो गई कि चलिए हम खड़ा, क्योंकि ये ठेला पे चाट खाएंगे, और मेरा जो पैर था वो जवाब दे रहा था, पूरा पैर फट रहा था। और मैं वहाँ से मेरी बोले ठीक है चलो, फिर मैं घर आई तो इनको खाना दी, खुद खाना खाए, उसके बाद जो मैं सोई तो बेड पे ही पूरे दिन मम्मी बार बार आके कह रही है ठीक हो। और जब मैं अपना फेस देख रही हूँ तो पेन से, अब पहली बार मुझे समझ में नहीं आया था कि दर्द क्या होता है, नहीं समझ में आया। और नेक्स्ट डे ऐसा हुआ, उसी दिन मम्मी लोग को जाना, अंकल हैं उनकी बेटी की शादी थी 21 फरवरी को, तो मैं ही मम्मी को तैयार करके भेज दी कि नहीं अब जाओ। तो मम्मी और ये मेरे कुंज के पापा जी हैं मेरे हस्बैंड, वो चले गए थे। उसके बाद वहाँ वो गए तो वहाँ से मेरी मम्मी एक गिलास में मटन और ग्रीन पूरी लेकर आएगी कि मेरी बहू को ग्रीन पूरी बहुत कहती है, सब कुछ खिला लिए, अगर ग्रीन पूरी नहीं खिलाएंगे तो बच्चे का लेट चुएगा। तो उन्होंने ला के रुमाल भी बांध के लाई और मुझे खिलाई। और नेक्स्ट डे जब मैं उठी बेड पे से, जैसे ही सो के उठती हूँ तो मेरा पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, और मैं इनको बोलती हूँ कि जी मेरा पानी गिर रहा है। तो ये बोल, मंडे था तो ये बोले कि मैं जा रहा हूँ, मम्मी को बोल देना। और मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं बेड पे से उठूँ, मैं भी सोई रह गई, मम्मी भी पार्टी में से आई थी थकी थी, वो भी लेट तक सोई रह गई। और आंटी मेरे यहाँ रेंट में एक आंटी रहती थी, अभी वो जैसलमेर चली गई हैं, तो वो आके मुझे बोले राखी क्या हुआ तुम्हें, तो आंटी ऐसे ऐसे हुआ। मुझे लगा मम्मी जब को जाके बोली होंगी, मम्मी को वो नहीं बोली, मैं सोई रही। फिर मम्मी 9 बजे आई ऊपर तो बोले क्या हुआ, तो मम्मी को मैं बोली ऐसे ऐसे मेरा पानी गिर रहा। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, तुम नहा लो, साड़ी पहन लो, और मैं तब तक खाना बना लेती हूँ, खा के उसके बाद हॉस्पिटल जाना। उसमें वो कह रही है कि नहीं ऐसा होता है, मेरी बहन का भी ऐसा हुआ था, पूरा पानी गिर गया था, बेड भींग गया था, 2 बजे वो गई थी, उसका नॉर्मल बेबी हुआ था। मेरी मम्मी बोली, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हाँ इतना नॉलेज है उनको कि वो डिसीजन ले सकती हैं, और वो अपने लिए वो सोचती हैं। तो मम्मी बोली कि नहीं हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये भी नहीं थे, मेरे फादर इन लॉ वो आर्मी में हैं तो वो भी नहीं थे, अब वो करे तो करे क्या। तो फिर मेरे जो देवर जी हैं वो ओला लेके फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, वहाँ गए तो डॉक्टर बोले मुंह तो खुला नहीं है, पानी तो गिर गया है। तो फिर उन्होंने सबसे पहले बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, और काउंटर पे रिसेप्शन काउंटर पे कोई बैठा हुआ था नहीं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। उसी बीच मेरा भाई छोटा वाला जो है उसकी शादी हो रही थी, और 23 फरवरी को उसका डेट रखा है, तो वो मुझे कॉल कर रहा है 22 तारीख को कि घर आ जा, घर आने के लिए मैं आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ, कपड़ा वपड़ा पहन के आ जाओ। मैं बोली भाई मैं भी, मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हो गया, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलता है, उसके बाद मैं आगे बताऊँगी। तो उसके बाद मैं चली गई डॉक्टर के पास, और अल्ट्रासाउंड के पास जब मैं वहाँ पहुँची तो रिसेप्शन काउंटर पे कोई था नहीं। तो फिर मैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड मेरा होता है वहाँ नॉक की, वहाँ पे मैं बोली, तो मेरी जो डॉक्टर थी
वो कॉल करके बोली थी इमरजेंसी में इसका करना है, तो इमरजेंसी में वो मेरा अल्ट्रासाउंड की, उसके बाद सारा रिपोर्ट दी और फिर मैं वहाँ से आई डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोली कि बहुत हद तक पानी गिर गया है, फिर भी वो चांस, मेरी सासू माँ बोली कि थोड़ा सा देख लीजिए नॉर्मल का, अगर नॉर्मल हो जाता है तो कोई बात नहीं। तो मैं 11:30 बजे घर से निकली और 12 या 1 बजे के बाद वो पानी चढ़ाना स्टार्ट कर दी। शाम 4-5 बजे तक वो वेट की कि अब नॉर्मल हो जाएगा, जब नहीं हुआ तो बोली कि नहीं बच्चे का हार्ट बीट कम हो रहा है, तो आप लोग बच्चे का हार्ट बीट कम हो रहा है। तो मेरी सास माँ बोली कि अब मुझे रिस्क नहीं लेना है और आप ऑपरेशन कर दीजिए। तो ये भी पहुंच गए और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड जहाँ मैं करवा रही थी वहाँ मेरा भाई भी पहुंच गया और मेरे भाई को ये कॉल करके बोल दिए थे कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो कि आप जाके थोड़ा देख लीजिएगा। तो मेरा छोटा वाला भाई भी वहाँ पहुंच गया था। तो उसके बाद जब मैं ओटी में ये आके हस्बैंड को खोजा जाता है सिग्नेचर करने के लिए, तो ये सिग्नेचर कर दिए ऑपरेशन के लिए। और जब मैं ओटी में जा रही थी पता नहीं क्या हुआ, मैं इतना रोने लगी अपनी मदर इन लॉ को पकड़ के, वो भी रोने लगी। तो ये डांटे कि तुम रो रही हो, उसका ऑपरेशन होने वाला है, वो कितना कमज़ोर हो जाएगी, मत रो। फिर भी मेरी ऊपर में जो आंटी थी वो भी खूब रोई और वो मुझे चिकन और चावल खिला के भेजी थी। मुझे पथरी बहुत पसंद है और वो मुझे पथरी दी थी। 11:30 बजे मैं खाना खा ली थी, तो खाना खाने के बाद ऑपरेशन नहीं होता है, तो उसके लिए 6-7 घंटा का टाइम लीजिए, उसके बाद ही ऑपरेशन। तो 11:30 बजे मैं खाई थी, तो मेरा 5:45 में मेरा ऑपरेशन हुआ। और जब बेबी हुआ था तो मेरा जो ऑपरेशन हुआ था तो वो रीढ़ में एक बार एक सुई दे दिए और ये नीचे कमर के नीचे पूरा सुन्न हो गया। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था नीचे क्या हो रहा, हल्का सा सुबुकाहट हो रहा था और आँख भी ऐसे ही था। डॉक्टर सारे बात कर रहे थे लाइफ में क्या की, कैसे की, क्या बनना चाहती थी, ये सारी चीज़ बात करते 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 ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन जब हुआ तो बेबी, जब हल्का सा मुझे याद है कि मेरा यहाँ पे पकड़ के और निकाल, जैसे गेहूं का बोरा को कैसे खाली करते हो अनाज को, उस टाइप से पेट में से बाबू को निकाला गया। और जब बाबू निकला तो डॉक्टर बोली कि लड़का है, इतना मैं सुन ली थी कि लड़का है। बट 9 महीना तक थ्रू आउट मेरा एक ही था कि मैं अपने अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे का फेस देखूं और फेस मुझे दिखाया नहीं जा रहा था। तो जब हो गया तो सबको देख लिए, हमारे हस्बैंड, हमारी सासू माँ सबको देख लिए और मैं बोली नर्स को तो अब तो मुझे दिखा दीजिए कि मेरा बाबू है क्या। मैं पूछी क्या हुआ, तो डॉक्टर बोली बेटा हुआ है। तो मेरे मुंह से एक ही वर्ड, पहला वर्ड उसके लिए जो निकला था, हाय मेरा बेटा। उसके बाद जब मैं उसको देखी पहली बार तो अलग ही लगा। और ये बोले डॉक्टर को कि कैसी है, थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ओटी का गेट खोल के थोड़ा सा दिखाया गया, तो मुझे रोना, मैं खूब रोई इनको देख के, पता नहीं क्यों रोई। और उसके बाद जब मैं सबको पता चला कि बेटा हुआ है, तो सारे मेरी फैमिली, मेरे मायके के सारे लोग पहुंच गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बट मैं तो पेन में थी, सारे लोग पहुंचे थे। मुझे हल्का सा याद है कि मेरा एक भाई है लालू, वो मुझे ऐसे ऐसे कर रहा था, हाथ दे रहा था कि दीदी मैं उसे लड़ी थी तो ऐसे ऐसे कर रहा था, दीदी मैं भी आया हूँ। तो मैं थोड़ा सा समझी। फिर क्या 4 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रही और 4th दिन मैं आ गई थी। जब मैं आ रही थी तो डॉक्टर बोली क्या तुमको घर नहीं जाना है, बोले मुझे जाना है। तो फिर मैं घर आ गई थी।